नमस्कार, मैं कंचन, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। नागपुर संस्कृत यूनिवर्सिटी के कुलगुरु साइबर क्राइम के शिकार। रामटेक स्थित कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर मधुसूदन पेन्ना भी साइबर अपराध के शिकार हो गए। एक अनजान नंबर ने डॉक्टर पेन्ना के नाम से व्हाट्सएप अकाउंट बनाया और प्रोफाइल पर उनकी फोटो DP के रूप में लगा दी। इसके बाद डॉक्टर पेन्ना के कॉन्टैक्ट लिस्ट के लोगों को संदेश भेजकर पैसे मांगे जाने लगे। पता लगते ही डॉक्टर पेन्ना ने तुरंत अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट के लोगों को सूचित करना शुरू किया। बातचीत में उन्होंने बताया कि उनके नाम का फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट चल रहा है। इसकी जानकारी बुधवार को ही उन्हें मिली। उनका इस अकाउंट से ना कोई संबंध है और ना ही उन्होंने किसी से पैसों की मांग की है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि ऐसे किसी भी झांसे में ना आए। इसे मांगने में डॉक्टर पेन्ना जल्द ही साइबर पुलिस में शिकायत करने भी जा रहे हैं। संस्कृत यूनिवर्सिटी के कुलगुरु साइबर क्राइम के शिकार रामटेक स्थित कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर मधुसूदन पेन्ना भी साइबर अपराधों के शिकार हुए हैं। एक अनजान नंबर से डॉक्टर पेन्ना के नाम से व्हाट्सएप अकाउंट बनाया और प्रोफाइल पर उनकी ही फोटो DP के रूप में लगा दी। इसके बाद डॉक्टर पेन्ना के कॉन्टेक्ट लिस्ट के लोगों को संदेश भेजकर पैसे मांगे जाने लगे। पता लगते ही डॉक्टर पेन्ना ने तुरंत अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट के लोगों को सूचित करना शुरू किया। भाषण से बातचीत में उन्होंने बताया कि उनके नाम का फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट चल रहा है। इसकी जानकारी बुधवार को उन्हें मिली। उनका इस अकाउंट से कोई संबंध नहीं है और ना उन्होंने किसी से पैसों की मांग की है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि ऐसे किसी भी झांसे में ना आए। इस मामले में डॉक्टर पेन्ना जल्द ही साइबर पुलिस में शिकायत करने जा रहे हैं। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV एप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइक, बुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त को चलाए दर्शकों को ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिए देश दुनिया की तमाम खबरें। तब तक बने रहिए MNS न्यूज TV पर। नमस्कार।